डायपोल मोमेंट अब डायपोल मोमेंट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के चार्जेस होते हैं एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव मान लीजिए ए हमारा पॉजिटिव चार्ज है जिसे प्लस क्यू स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है बी हमारा नेगेटिव चार्ज है जिसे माइनस क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है दोनों चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच का ये होता है डायपोल मोमेंट इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इन टू डी यानी जो चार्ज है डिस्टेंस अब हमारे पास जो चार्ज है क्यू Q is equal to, 10 to power minus 10 डिस्टेंस दोनों charges के बीच का वो होता है टेन रेज टू पावर माइनस एट सेंटीमीटर जिसे एम स्ट्रॉन्ग में होता है तो हमारे पास म्यू क्या है क्यू इन टू डी है क्यू क्या है टेन रेज टू पावर माइनस टेन और d क्या है 10 रेस टू पावर माइनस एट यानी 10 रेस टू 10 टेन इंटू टेन रेस टू पावर 8 तो इज इक्वल टू तो होगा 10 रेस टू पावर माइनस एटीन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज सेंटीमीटर अब वन डाइपोल अब ये डाइपोल डाइपोल की यूनिट होती है ना तो वन डाइपोल किसके इज इक्वल टू तो आ गया वन डाइपोल इज इक्वल टू आएगा वन इंटू टेन रेस टू पावर माइनस एटीन ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इन सेंटीमीटर तो ऐसा ऐसा यूनिट ए, वन एस यू की यूनिट क्या into 10 is to power minus 10 इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो नेक्स्ट है कि वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 एस टू वन माइनस टू मीटर के

इसकी जगह ये पुट कर देंगे सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन एस टू पावर माइनस टू मीटर इसकी जगह ये पुट कर देंगे तो वन डायपोल इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री थ्री फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टी सेंटीमीटर ये डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है अब जो डायपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है देखिए डायपोल मोमेंट में जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं जो डाइपोल मोमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है यानी इसको एक वेक्टर क्वांटिटी साइन जैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है जैसे कि ये रिप्रेजेंट किया गया है ये जो एरोड है ये जो एरोड होगा रिप्रेजेंट करेगा इसकी एक टेल है एक एरो हेड है ठीक है अब इसमें जो एरो हेड है वो नेगेटिव की साइड होगा और जो टेल है वो पॉजिटिव की साइड होगी यानी कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर और मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताती है ठीक है ये होता है डाइपल मोमेंट मोलिक्यूल डाई एटोमिक मॉलिक्यूल जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डायपोल जो मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के इसमें जैसे एच सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच पॉजिटिव होता है और सी नेगेटिव होता है ठीक है डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव तो इसका जो मोमेंट जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा वो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वाली साइड तो टेल होगी और नेगेटिव वाली साइड क्या होगा हेड होगा ये इसकी डायरेक्शन बताएगा ये डायपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड स्ट्रक्चर बताएगा ये डायटॉमिक मोलिक्यूलर बताता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है बॉन्ड सेटअप के बीच में उतना ही ज्यादा डायपोल मोमेंट होती है डायपोल मोमेंट भी उतनी ही ज्यादा होती है जब एच की डायपोल मोमेंट होती है म्यू इज इक्वल टू वन डी और जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो डायपोल मूवमेंट भी बढ़ती है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके ग्रुप में क्लोरीन की उससे कम होती है ब्रोमीन की उससे कम होती है आयोडीन की सबसे कम होती है तो ये है फ्लोरीन की जो डायपोल है वन पॉइंट सेवनटी एट डी डाय सबसे ज्यादा है जबकि क्लोरीन की एच सी एल की उससे कम है नेक्स्ट एच बी आर की उससे कम है और एच आई की जीरो पॉइंट थ्री एट डी है तो अलग अलग डायपोल मोमेंट होती है तो जितनी ज्यादा नेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा डायपोल मोमेंट। नेक्स्ट है पोली एटोमिक मोलिक्यूल्स पोली एटोमिक मोलिक्यूल्स में जब एक से ज्यादा पोलर बोन्ड्स बने हुए होते हैं किसी स्ट्रक्चर में तो डायपोल मोमेंट होता है इक्वल होता है रिजल्ट डायपोल के उसे बोन्ड मोमेंट कहते हैं जो डायपोल मूवमेंट होता है वो सिर्फ वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता बल्कि हर एक डायपोल मूवमेंट पे रिप्रेजेंट करता है जो उसके साथ जुड़े हुए होते हैं उनकी अरेंजमेंट पे रिप्रेजेंट करता है अगर एक से ज्यादा जुड़े हुए थे ये तो हमने एच सी एल एच एफ एच बी आर सिंगल के किए थे लेकिन अगर एक से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं तो अलग अलग होते हैं लेकिन दो तरह के होते हैं ये भी टू टाइप्स में लिए जाते हैं एक तो होते हैं सिमिट्री दूसरे होते हैं अनसिमिट्री सबसे पहले देखते हैं अनसिमेट्री। अनसिमेट्री के केस में अनसिमेट्री मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं देखिए जैसे कि हम लेते हैं H2O का स्ट्रक्चर H2O। अब देखिए H पॉजिटिव होता है और O2 टू नेगेटिव होगा तो इसकी जो एरो हेड है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये पॉजिटिव है तो टेल और पॉजिटिव तो से नेगेटिव वाली साइड H2O जो वाटर का जो डाइपोल होता है वो म्यू इज इक्वल टू होता है और और NH4 भी भी नेगेटिव नेगेटिव है है H एक एक हर पॉजिटिव तो ये थ्री नेगेटिव है तो ये इसका हेड को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि टेल पॉजिटिव वाली साइड हेड नेगेटिव वाली साइड ये क्या है ये रिप्रेजेंट क्या करता है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को दोनों को रिप्रेजेंट करता है तो ये क्या है एटॉमिक मोलिकुल को बताएगा अब इसमें हाइच टू का जो डायपोल मूवमेंट है is equal to D है, और एन एच फोर का D है। तो अलग अलग है तो इसको अनिट्री क्यों बोला गया है इसको अनसिमेट्री इसी वजह से बोला गया है क्योंकि अगर हम इसको चेंज करते हैं इसकी मूवमेंट करते हैं इसको तो इसका स्ट्रक्चर ना चेंज होकर दिखाई देता है अगर इसको मूव करते हैं एक डायरेक्शन इसकी चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर मूव होकर दिखाई देगा अलग ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा जब आप सिमिट्री देखोगे तो आपको पता लग जाएगा दूसरा होता है कि ऐसे डायपोल मूवमेंट जिसका नेट जो डायपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है ऐसा इसलिए होता है कि जो इंडिविजुअल जो हमारे पास डायपोल मूवमेंट होते हैं जैसे कि सीओ का केस है इसमें डायरेक्शन जो होती है एक दूसरे से ऑपोजिट होती है मैग्नीट्यूड देखिए मैग्नीट्यूड तो होगा अब इसमें हर एक डाइपोल मूवमेंट का और इन इसमें मॉलिक्यूल में इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन अलग-अलग होगी इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन जैसे CO2 C2 पॉजिटिव है तो ये टेल साइड होगा हेड ओके साइड वो नेगेटिव होगा ये भी वो नेगेटिव होगा तो ये क्या कि equal magnitude है कि इक्वल मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है ऑपोजिट डायरेक्शन इस वजह से जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है सीओ टू का सी एस टू का जीरो हो जाता है डी ई एफ टू का इन सब का नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन अब नेक्स्ट है सिमेट्री मॉलिक्यूल सिमेट्री मॉलिक्यूल में क्या होता है जैसे कि सिमेट्री मॉलिक्यूल एग्जांपल देख रहे हैं बी एफ थ्री बी थ्री पॉजिटिव एफ सारे वन वन नेगेटिव तो जो डायरेक्शन होगी ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास सी एच फोर सी फोर यानी कि एच से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ठीक है ना हेड नेगेटिव की तरफ टेल पॉजिटिव की तरफ नेक्स्ट CCl4 यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ सी पॉजिटिव वाले से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो ये क्या है इनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को बताएगा अब ये जो होते हैं ना ये सारे सिमेट्री मॉलिक्यूल होते हैं इनको सिमेट्री मॉलिक्यूल जैसे कि BF3 CH4 और टेट्राक्लोराइड CCl4 ये टेट्राक्लोराइड तो इनमें क्या है इन सब में ये सारे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हैं अब इनमें क्या इनमें देखिए जो मोलिक्यूलर डायपोल मोमेंट होता है इनमें भी जीरो होता है इनमें जीरो क्यों होता है इसमें जीरो इसीलिए होता है कि जो हर एक इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट होती है वो कैंसल आउट होती है अकॉर्डिंग टू सिमिट्री मॉलिक्यूल होने की वजह से क्यों कैंसल आउट कैसे होगी अब हर एक में अगर आप इसको ये इसकी रिजल्टेंट मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये वाला जो है रिजल्टेंट मूवमेंट अगर आप इन्हें मूव करोगे तो इनकी डायरेक्शंस इनका जो स्ट्रक्चर है नियर अबाउट सेम ही दिखाई देगा इसमें क्या होता है कि जो नेट डाइपोल मूवमेंट होती है इसी वजह से जीरो ली जाती है नेट डाइपोल मूवमेंट इस नेट डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं अगर आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करते हैं या फिर इस डायरेक्शन में मूव करते हो दोनों में थोड़ा सिमेट्री सेम शेप दिखाई देती है इसको मूव करते हो इस तरह या फिर इस तरह या फिर इसको डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो इसकी शेप थोड़ी सेम दिखाई देती है ये सिमेट्री मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें एक जो नेट रिजल्टेंट होता है इसकी नेट रिजल्टेंट होने की वजह से ये इसकी जो मूवमेंट होती है वो जीरो होती है जीरो ली जाती है

अब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायपर मूवमेंट है में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है ये भी ये पॉजिटिव होता है सेंट्रल वाला या नेगेटिव होते हैं तो टाइप मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है अब इन दोनों के केस में NH3 और NF3 दोनों ही पिरामिडल शेप हैं इनके पास एक लोन पेयर भी होगा इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक लोन पेयर होता है इनके पास अब इसमें फ्लोरीन जो होता है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन

इस टाइम में जो कि बहुत स्मॉलर होती है एनएच थ्री के कंपैरिजन में एनएच थ्री की जो होगी वो होगी वन पॉइंट फोर सिक्स डी लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है एन के कंपैरिजन में फ्लोरीन एन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसमें एन और एच केस में एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एच के कंपैरिजन में इन दोनों में एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एन एच में एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ठीक है इन दोनों में डिफरेंस है तो इस वजह से जो नेट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है एन और एच का एन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डिफरेंस जीरो पॉइंट नाइन और एन और एफ का एफ का फोर पॉइंट जीरो एन का थ्री पॉइंट जीरो इन दोनों का डिफरेंस वन पॉइंट जीरो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता नियरली सेम होता है इसलिए फ्लोरीन बेशक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा ये इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा ऐसा नहीं होता ठीक है ना क्योंकि एन एफ में एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एन एच में एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इनका जो नेट देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखते हैं तो नियर अबाउट सेम ही आता है 0.9 और 1.0 अगर हम पोलैरिटी देखें बोन्ड की तो जो μ q d होगा तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रो डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी आयोडीन के कंपैरिजन में ये हम पहले कर चुके हैं फ्लोरीन की 1.78 होती है जबकि HI की, की 0.38 होती है फ्लोरीन की जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा क्या होता है डायपोल मोमेंट होती है नेक्स्ट है कि जब डिटरमाइन करते हैं सिमेट्री मॉलिक्यूलर असिमेट्री मॉलिक्यूल को तो वाटर के केस में 1.84 होती है अमोनिया के केस में 1.49 होती है सिमिट्री मॉलिक्यूल bf3 ch4 में नेक्स्ट है सिस और ट्रांस जब हम डिस्टिंग्विश करते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स में अब सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है अब जैसे कि दो कार्बन है डबल बॉन्ड से दूसरे में कनेक्टेड है दो हाइड्रोजन के साथ कटे हैं दो क्लोरीन इसके साथ कनेक्टेड हैं अब देखिए ये जो दो दोनों क्लोरीन है एक ही साइड पे कनेक्टेड है इसको बोलेंगे सिस यानी कि इसमें जो डायपोल मूवमेंट होती है वो नॉट इज इक्वल टू होती है जीरो के यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट जरूर होगी लेकिन अगर ये उल्टा कनेक्टेड हो ट्रांस में कनेक्टेड हो यानी कि सीएल इधर और इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड हो तो इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाती है इसमें डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो होती है ये ट्रांस कंडीशन होती है जब वो ऑपोजिट कनेक्ट होते हैं और ये सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड होते हैं इसे सिस सिस बोलते हैं सिस और ट्रांस इसके नेम मैं आगे फर्दर करवाऊंगी कि इनके नाम कैसे पड़े थे इसमें नहीं करवाएंगे ये नेक्स्ट वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो मेटा और पैरा अगर हम एक हेक्सागोनल लेते हैं ये हमारा हेक्सागोनल है सिक्स सिक्स शेप्स हैं, हैं साइड्स तो हेक्सागोनल में दो क्लोरीन, एक तो ये कनेक्टेड है एक तो ये फर्स्ट है अगर कोई इस पॉइंट पे कनेक्टेड है तो उसे बोलेंगे अगर इस पे सीएल कनेक्टेड है तो बोलेंगे मेटा और अगर इस पे कनेक्टेड होगा तो बोलेंगे पैरा तो ये क्या है ऑर्थो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है टू पॉइंट फाइव फोर डी होता है अगर मेटा का केस ले, अगर यहाँ पे कनेक्टेड होगा तो मेटा इसका डायपोल मोमेंट होता है मेटा का म्यू 1.48 यानी कम हो जाता है और जो पैरा का होता है वो जीरो होता है क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन इसी वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा ठीक है ना तो पैरा में म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाता है तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डायपोल मोमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू